स्टूडेंट्स, आज का पार्ट है लीफ। लीफ की सारे चीज हम देखेंगे, लीफ बेस से लेके क्या क्या है सारे चीज देखेंगे, फाइलोटैक्सी, उसकी अरेंजमेंट वगैरह सारे आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग लगा लेते हैं, लीफ। अब सबसे पहले ये बताते हैं कि लीफ है क्या, व्हाट इज लीफ। लीफ इज अ ग्रीन फ्लैट फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये खाना बनाता है। ठीक है, सिर्फ फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसके साथ साथ रेस्पायरेशन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है, गैसियस एक्सचेंज जिसको कहते हैं ये है, लेकिन बेसिकली फोटोसिंथेटिक है, बाकी वो मैंने नहीं लिखा। लीफ में बर्ड्स होते हैं, इट कंटेन्स द बर्ड, इट कंटेन्स बर्ड। और बर्ड कहां पर ही है, इसकी एक्साइल पे, एक्साइल एरियाज पे, ओके, इन इट्स एक्साइल। सो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। देयरफोर अब कौन आया, सिद्धि। हाय सिद्धि, गुड मॉर्निंग। सो देयरफोर it is called as what, axillary bud, isko axillary bud kehte hain। so isi jagah pe humne chhod diya tha, aapka ek thoda sa drawing dikha de, ye suppose aapka ek stem hai और यहां से आपकी रेज हो रहा है, लीफ की रेज हो रहा है, ये लीफ का रेज हो रहा है, इसी जगह से मान के चलो ये एक पत्ता यहां पर ही है, ये पत्ता है। नाउ इसकी इसी जगह पे आप गौर से देखना, इसी जगह पे एक बर्ड जैसा इस टाइप का रेज होता है। ठीक है, सो जबकि ये पत्ते जैसा ही है, पत्ते का ही कुछ पार्ट्स है, उसका नाम भी बताएंगे, लेकिन इसका बर्ड्स, यहां पर ही बर्ड्स भी होते हैं इस जगह पे, बहुत ही छोटा है, आपको इनिशियली नहीं दिखेगा, तो यहां पर ही बर्ड्स होते हैं। सो इसी जगह से निकलते हुए ये ब्रांच भी बदल जाते हैं। नाउ एक्सिलरी बर्ड बिकम्स द बंच ब्रांच। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड ब्रांच में बदल जाते हैं। ठीक है, छोटा सा एक होता है, जबकि ये जगह मैं डिलीट कर दूं तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरा ड्राइंग भी आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये इस टाइप का एक बर्ड है, इसको मैं मार्किंग कर देता हूं इस टाइप का, राइट। तो ये हो गया आपकी एक्सिलरी बर्ड। धीरे धीरे चलता हूं ताकि आपको समझ में आए सारे चीजों को, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लीफ की पार्ट की। पार्ट ऑफ लीफ,
स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ लीफ को, जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द स्टेम, पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ऐसे स्टेम का तो ज्यादा पार्ट्स कुछ है नहीं, स्टेम का पार्ट तो ब्रांच एंड लीफ ही है, लेकिन पार्ट ऑफ द लीफ जब हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं फाइलोपोडियम। इसको क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज फाइलोपोडियम। बायोलॉजी में इसका एक टर्मिनोलॉजी है, फाइलोपोडियम। फाइलोपोडियम का मतलब है पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ की कितने पार्ट्स है वो हम देखेंगे आज। लीफ के पार्ट्स, नंबर वन लीफ बेस। इंटरैक्ट करना अगर नहीं समझ में आया तो, लीफ बेस। उसके बाद पार्ट्स का नाम है स्टिप्यूल। क्या नाम है, मुंह में बोलो, क्या नाम है खेतरे, मुंह में बोलो क्या नाम है। लीफ बेस, उसके बाद है स्टिप्यूल, ठीक है। तीन नंबर ले रहा हूं, पल्वीनस। चार नंबर ले रहा हूं, इसको कहते हैं पेटियोल। पांच नंबर है लैमिना। किसी किसी जगह पे आपका लीफ ब्लेड बोल के भी एक पार्ट वो लोग कहते हैं, लेकिन लीफ ब्लेड ब्लेड कोई अलग पार्ट नहीं है, लीफ बेस का ही पार्ट है। फिर भी मैं लिख देता हूं लीफ ब्लेड। ये नाम आपने सुना सुना है, लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं, ये लीफ ब्लेड जो है ये लीफ बेस का ही पार्ट है। अच्छा, लैमिना ना इसलिए लिया हूं, लैमिना कोई अलग पार्ट नहीं है, लैमिना लीफ बेस का ही एक और नाम है, ठीक है। लेकिन मैंने नाम जितना सुना है उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया। बेसिक अगर आप बात करो लीफ की, तो लीफ बेस, स्टिप्यूल, पाल्विनस, पेटियोल, ये आपका बेसिक है, चार आपका बेसिक पार्ट्स ऑफ द लीफ है। बाकी जो है इसको नाम सुना है इसलिए इस नाम को मैंने लिया हुआ है, ठीक है। नाउ एक एक करके बात करेंगे लीफ बेस, ठीक है। लीफ बेस क्या है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू द स्टेम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू द स्टेम, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ टू द स्टेम, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो, ये एक स्टेम है और इस जगह से आपका लीफ लगा हुआ है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इसी जगह को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफ बेस। सो दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। खेतरे, समझ में आया? हेलो, समझ में आया खेतरे? क्या मुंह में दही जमा के बैठा है? ओ
ऋतुजा, समझ में आया आपको? सिद्धि, हाँ। हाँ, तो ये कह रहा था कि लीफ बेस ये है। अब क्या है कि इसी में हम लोग पहले सीपीयू नहीं पढ़ के हम लोग चलेंगे पल्विनस पे। हम लोग पहले पल्विनस को देख लेते, क्योंकि लीफ बेस के साथ पल्विनस का अटैचमेंट है। पल्विनस, सी पाल्बिनस इज द स्वोलन पार्ट ऑफ द लीफ बेस। क्या लिखेंगे? स्वोलन पार्ट ऑफ लीफ बेस। स्वोलन पार्ट ऑफ द लीफ बेस का मतलब है, थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं हमारी ड्राइंग को, ये जगह जो पहले जैसा दिख रहा था अब ये ऐसा नहीं दिखेगा, अब ये दिखेगा इस टाइप का। उसके बाद ये लीफ का ये निकल रहा है। ये जो लीफ बेस का एरिया है, अगर आप कोई भी पत्ता उठा के देख लो, ठीक है, कोई भी मैंगो का लीफ देखो, आज आजू बाजू में जो भी आपको मिलेगा, पीपल का लीफ देखो, आप अगर गौर से देखोगे तो उसकी बेस जो है वो इस तरह का स्वोलन होता है। कोई भी लीफ बेस ना इस तरह सा बेस में इस तरह सा स्वोलन होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पल्विनस। इसको क्या कहते हैं? पल्विनस। सो द लीफ बेस, स्वोलन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज पल्विनस। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट में क्या था? स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल और स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स इसलिए कहा है, ये एस इसलिए लगा हुआ है, बिकॉज दिस इज अ पेयर ऑफ लैटरल आउटग्रोथ। क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लैटरल पेयर ऑफ लैटरल आउटग्रोथ एट द बेस ऑफ लीफ। अब उसको लीफ बोलो, पाल्विनस बोलो, कुछ भी बोलो, पर द बेस ऑफ द लीफ ये है। इसमें एक कैच है। कैच क्या है? कैच इज दैट ओनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, इट इज नॉट फाउंड इन द मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। नाउ स्टिप्यूल्स ये एक लीफ का ही पार्ट है, लेकिन अब इसकी फंक्शन क्या है? व्हाई, इतना छोटा दो लीफ होने का फंक्शन क्या है? नाउ द फंक्शन इज दिस इज टू प्रोटेक्ट, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग को थोड़ा एनलार्ज करेंगे, एनलार्ज इस टाइप का करेंगे। ये एक बेस है। अब यहां से पल्विनस निकल रहा है, थोड़ा सा पल्विनस को एनलार्ज कर देते ताकि आपको पता चले ये आपका एक पल्विनस निकल रहा है, ठीक
मैंने जूम कर दिया आपको लीफ बेस को, ये पाल्विनस एरिया है। अब ये पाल्विनस एरिया में आपका एक छोटा सा क्या रहते हैं, एक्जिलरी बड, क्या रहेंगे बेटा, एक्जिलरी बड, ये एक्जिलरी बड है, ठीक है। देखो ये एक्जिलरी बड है, अब इनको प्रोटेक्ट करेंगे स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स क्या होगा, अगर आप लीफ को गौर से देखोगे तो लीफ के यहाँ पर ही दो इस तरह का छोटे छोटे लीफ लाइक आउटग्रोथ है। तो ये जो लैटरल आउटग्रोथ है इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज लीफ लाइक। कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? हेलो, कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो। यस और नो, कोई समझने में दिक्कत है तो बोलो। हाँ, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम ये कहते हैं दिस इज एक्चुअली पाल्विनस, ये आपका हो गया एक्सिलरी बड, ये आपका हो गया स्टिप्यूल्स, ठीक। ये अब इसमें एक पॉइंट हमने ये नहीं बताया कि बार बार, एक है आपकी लीफ स्टॉक के बारे में। स्टूडेंट्स, लीफ स्टॉक का और एक नाम है पेटियोल। तो आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है पेटियोल का। व्हाट इज पेटियोल? पेटियोल इज इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं लीफ स्टॉक। ये क्या करते हैं, दैट होल्ड लीफ बेस, लीफ बेस को होल्ड करके रखते हैं। तो ये पार्ट जो है ये है आपकी स्टॉक, और इसको कहेंगे पेटियोल, इसको पेटियोल कहेंगे, ठीक है। अब ये पेटियोल के हिसाब से लीफ कैन बी ऑफ टू टाइप। सो वन टाइप इज कॉल्ड पेटियोलेट, पेटियोलेट लीफ, एंड द अदर टाइप विल बी व्हाट, सेसाइल। नॉन पेटियोलेट नहीं कहेंगे, इसका एग्जाम नाम है सेसाइल। नॉन पेटियोलेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेसाइल। डू यू अंडरस्टैंड? तो पेटियोलेट लीफ या इसको कहेंगे सेसाइल लीफ। स्टूडेंट, सेसाइल लीफ किस टाइप की देखने में होंगे, एक बार एकदम एग्जाम्पल दे। ऐसे बहुत सारे पेड़ और पौधे पौधे हैं जहां पर इस टाइप का लीफ देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो पेटियोल है ये बिल्कुल नहीं है, होगा तो भी एकदम दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इस टाइप की पेड़ पौधे आपने आजू बाजू में बहुत देखे होंगे, तो इस टाइप की लीफ को कहेंगे सेसाइल लीफ, और आगे की जो दिखा रहा हूं इस टाइप की लीफ, इसको कहते हैं पेटियोलिफ लीफ। यहां ऐसे टाइप का लीफ होंगे तो ये होगी आपकी पेटियोलिफ लीफ, ठीक है। जल्दी जल्दी ड्राइंग कर दिया ये। नाउ अब है कि लैमिना के बारे में आ रहा हूं, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैमिना, मतलब लीफ का जो ब्लेड है, यानी कि लीफ ब्लेड।
पहले भी बताया कि ब्लेड ये कुछ पार्ट ही है, ये कोई अलग से कोई लीफ का ये नहीं है, ये लीफ लैमिना का ही पार्ट है एक। एक्चुअली दिस इज दी फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, फ्लैट ग्रीन, फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, फ्लैट ग्रीन पार्ट लीफ। ब्लेड क्या है? साइड ऑफ दी लैमिना। कभी कभार इसको साइड ऑफ लैमिना कहते हैं, कभी कभार इसको बेस ऑफ द लीफ भी कहते हैं। बेस आई मीन हेयर बेस मीन्स ये साइड ऑफ द लैमिना है, ये फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ है। मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ये साइड ऑफ द लैमिना जिसको हम ब्लेड भी कहते हैं, और इटसेल्फ लैमिना को भी बेस कहते हैं। अगर हम इस टाइप का एक लीफ को ड्राइंग करें तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये आपकी लीफ है, ये जो पार्ट है ये फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट है, इसी को हम लोग लैमिना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? आप बात है इसकी जो साइड है, ये जो साइड वाला पार्ट है ये ना, ये देखो पिंक कलर का देख रहा हूं, ये जो साइड वाला पार्ट है कभी कभार इसको भी ब्लेड कहते हैं, इसको भी ब्लेड कहते हैं, और इसकी जो ये फ्लैट पार्ट है इसको भी ब्लेड कहते हैं। तो ब्लेड कोई अलग से लीफ का पार्ट नहीं है, ये लैमिना का ही एक अलग पार्ट है। और लैमिना है क्या? ये जो लीफ का ओरिजिनली फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इसी को कहते हैं लैमिना। अब लैमिना का दो साइड होता है, ये आपको पहले जान लेना जरूरी है। लैमिना हैज टू साइड, लैमिना हैज टू साइड। एक इसकी अपर सरफेस है, एक इसका अपर सरफेस है, और दूसरा इसका लोअर सरफेस है। लैमिना का दो साइड है, एक अपर सरफेस है एक लोअर सरफेस है। अपर सरफेस को कहते हैं एडक्सियल, अपर सरफेस को क्या कहते हैं? एडक्सियल, एडक्सियल अपर सरफेस ऑफ द लीफ। और लोअर सरफेस को क्या कहते हैं? एबैक्सियल, ए बी ए एक्स आई ए एल। सो अपर सरफेस ऑफ द लीफ कहते हैं एडक्सियल एंड लोअर सरफेस को कहते हैं एबैक्सियल। सो याद रखना, ए डी ए होने से अपर सरफेस और ए बी ए होने से लोअर सरफेस, ठीक है? याद रहेगा ना? ये है आपकी लैमिना का दो पार्ट। कल मैंने बता दिया था आपको वेनेशंस के बारे में, जो कल का क्लास जिसको मिस हो गया वो एक बार और देख लो। वेनेशंस क्या है? वेनेशंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ दी वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ ब्लेड, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ ब्लेड, इसको कहते हैं वेनेशन। तो ये वेनेशन दो टाइप की हो सकते हैं, एक इसको कहते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन। दूसरा है पैरालल
वेनेशन, एक है रेटिक्यूलेट वेनेशन, दूसरा है पैरेलल वेनेशन, ठीक है। नाउ रेटिक्यूलेट का मतलब है नेट लाइक अरेंजमेंट। कोई भी ऐसा पत्ता उठा के देख लो जिसमें नेट लाइक अरेंजमेंट होगा वो रेटिक्यूलेट है, और पैरेलल मतलब वेनेशन आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। रेटिक्यूलेट वेनेशन डाइकॉट प्लांट में दिखते हैं, और पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट प्लांट में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? मोनोकॉट प्लांट में दिखते हैं। तो दोनों दो टाइप की है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जाम्पल ले लो, बनाना ले लो, बनाना लीफ, इस तरह बहुत सारा है। ग्रास का भी ले सकते हो, बनाना दिखता है बहुत बड़ा है। डाइकॉट का आप जैसे मैंगो का ले लो, पीपल का ले लो, मैंगो है, पीपल है, इस टाइप की लीफ में आप देखो तो आपको दिखेगा। सो ये हो गया लीफ। अब हम लोग लीफ की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ द लीफ। सिंपल सिंपल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमें तो आगे चल के बहुत सारे मॉडिफिकेशन लीफ का देखना है, इसलिए हम लोग सिंपल सिंपल बात करेंगे। टाइप ऑफ लीव क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ लीव, टाइप्स ऑफ द लीव। लीव का दो ही टाइप हो सकते हैं, एक सिंपल लीव, दूसरा कंपाउंड लीव। लीफ की दो ही टाइप हो सकते हैं, एक सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है? सिंपल लैमिना, वन सिंपल लीफ, एक सिंपल लीफ है वेयर नो लैमिना इज नॉट डिवाइडेड, वेयर लैमिना इज एक सिंपल लीफ है जिसमें लैमिना इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है। जैसे मैं एक लीफ की पिक्चर दिखाऊं, ये आपका एक लीफ है और इसमें इस टाइप का एक लीफ है, ये एक सिंपल लीफ हो गया, ठीक। एक सिंपल टाइप का लीफ। इसमें आपको सिंगल, अगर लीफ का बात करो, इस टाइप का सिंगल लीफ, ये एक आपका लीफ हो गया, सिंपल लीफ। नाउ कंपाउंड लीफ का मतलब क्या है? कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड जो है ये डिवाइडेड है, ठीक है। लीफ ब्लेड जो है डिवाइडेड है, लैमिना इज डिवाइडेड। लैमिना डिवाइडेड है और मेनी लीव्स ऑन आ कॉमन स्टॉक कॉमन स्टॉक
स्टॉक, एक कॉमन स्टॉक होगा जिसके ऊपर बहुत सारे लीफ सजे हुए होंगे या लीफ उसमें दिखेगा आपको। तो ये कॉमन स्टॉक का नाम है, देयर इज अ नेम फॉर दिस कॉमन स्टॉक। ये कॉमन स्टॉक को कहते हैं रैचीज। क्या कहते हैं? रैचीज। अब देखो नया नाम जुड़ गया है। नाउ लेट अस लुक एट दीज थिंग्स कि कंपाउंड लीफ इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर ए, इसको कहते हैं पाइनेट। यहां जगह नहीं है, नीचे मैं अभी यहां लिख के नीचे मैं डिस्क्राइब करूंगा। पाइनेट यानी कि, अच्छा ठीक है, डिस्क्राइब बाद में करता हूं, पहले लिख लेता हूं पाइनेट। और दूसरा है पामेट। ये दो टाइप। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे ये बेसिकली दिखते हैं। ठीक है, नाउ पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहेंगे, पाई नेटली कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट इज दिस पाइनेटली कंपाउंड लीफ? ये फेदर लाइक होते हैं। फेदर लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? फेदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसकी एक झलक भी देख लो, किस टाइप की लीफ बनते हैं। ये एक लीफ है और इसी जगह पे ठीक, देखा है इस टाइप का लीफ स्टूडेंट? इस टाइप का लीफ देखा है आपने? हेलो, देखा है इस टाइप का लीफ? जैसे नीम के पत्ते हो गए, आंवला हो गए, आंवला का पेड़ तो बहुत होगा, देखा होगा आंवला, ठीक है ना? मोरिंगा, मोरिंगा का लीफ, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल सोचते हैं। सो इस टाइप की लीफ को कहते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। दूसरा टाइप का है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या है बेटा? पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या स्टूडेंट समझ रहे हो? पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली का मतलब आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? पाम का मतलब है हाथ का जो पत्ता है, पम है वो। तो नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ मतलब फैन लाइक लीफलेट, फैन लाइक
स्ट्रक्चर। अच्छा इसमें देखो, इसमें मैं बता देता हूं, ये इसको कहते हैं रैचिस, ये है आपकी एक मिडरीब, रैचिस, इसको क्या कहते हैं, रैचिस और मिडरीब। ओके, और कॉमन कॉमन आपका स्टिप्यूल भी, आई सॉरी स्टॉक भी कह सकते हो, कॉमन स्टॉक। और ये जो छोटे छोटे पत्ते देख रहे हो, ये इसको कहते हैं लीफलेट। लीफलेट का मतलब है छोटा पत्ता। लीफलेट का मतलब क्या है, छोटा पत्ता। सो फैन लाइक स्ट्रक्चर और लीफलेट हो सकते हैं। सो इसका इस किस तरह से होगा, एक रैचिस है, ठीक है, ये एक रैचिस है, ये रैचिस है, इसी रैचिस की पॉइंट से आपका लीफ निकल के आता है। ये इस टाइप का लीफ की अरेंजमेंट होते हैं। तो इस टाइप की अरेंजमेंट होते हैं, एक कॉमन पॉइंट से इस टाइप का लीफ निकलते हैं। ड्राइंग को एक बार एक अच्छी तरह से और एक बार करता हूं, एक कॉमन पॉइंट, एक और ये है आपका, ये यहां पर ही आपकी रैचिस है, और ये सारे अलग अलग लीफलेट्स है, ठीक है, ये लीफलेट्स है। अब इनमें से एक टाइप का और भी हो सकता है लीफलेट अरेंजमेंट। ये एक बार ये अरेंजमेंट को देखो, ये एक ही लैमिना है, एक ही लैमिना का देखो अलग अलग सब डिविजन बन गया है, लैमिना सब डिवाइडेड। ये भी पामेटली कंपाउंड ही है, लैमिना सब डिवाइडेड। तो लैमिना जो है ये अलग से डिवाइड हो गया इस टाइप का, ठीक है। तो ये दो टाइप की भी पामेटली कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे पामेटली कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें होता क्या है, पामेटली मतलब पाम का तरह, फैन की तरह उसकी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे एक हम लोग एग्जांपल की बात करें, अगर आपकी आजू बाजू में इस टाइप की आप पेड़ पौधे बहुत सारे देख सकते हो, सिल्क कॉटन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सिल्क कॉटन प्लांट, सिल्क कॉटन प्लांट, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका पामेटली कंपाउंड की, ठीक है। ये हो गया लीफ की टाइप, आज इतना तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीफ की अरेंजमेंट एंड देन लीफ की मॉडिफिकेशन। थैंक यू।